देते द्रावती गांव में पहुंचे और वहां अपने बौद्ध भिक्षुओं के साथ भैया हो वो या लोगों को उपदेश देने का काम कर उसी गांव में रहने वाले एक बहुत ही धनवान व्यक्ति जिनका नाम धनपत सेठ बताया गया मालिक एक और लाभ के रूप में बिटिया दे ले बाटे बिटिया बड़ी सुंदर बाटिया का बड़ा प्यार से नाम गंगा रखा लेकिन उसके सुंदरता को देख करके कबो कबो धनपत सेठ चिंतित हो जा विकास बड़ी होकर के तो बिटिया का सुंदरता देख के चिंतित हो जा कि कहीं काजनी बड़ हो बिटिया हमारे घर का ये मिट्टी में न मिला ये लिए लोगन से राय बात लेवे लगलन कहो भैया हमारे घर का ये कैसे बची कोई आदमी बता दे के अपने कोठा के ऊपर एक तला और कोठा बना था उम्मे अपनी बिटिया के रखता तोहरे घर के तोहरी बिटिया के इज्जत बन जाए प्रधान जी लोग राय बात ना दे हल की जब सयान हो तो जो लड़का के साथ शादी कर दिया तोहरे घर के तोहरी बिटिया के इज्जत बन जाए ना धनपत सेठ अपने कोठे के ऊपर एक तला कोठा बनाया उसमें अपनी बिटिया को रख देता है एक छे नवंबर के रख देता आवे जाए के जो कमी हो खे नौकर बाजार से ले आवे धीरे धीरे जब गंगा जवानी के दहली पर कदम रख ले बा फिर पुरुष का चाह भेटवा हो बाबूजी तो कहीं बहरा जाए के न बा एक दिन नौकरवा के अकेले में पौलिन बोलौनी सुनो कहाँ के रहने वाले हो क्या नाम है थोड़ा अपना परिचय बताओ और नौकरवा से परिचय पूछा लगा परिचय पूछते तो यहाँ के लिए दर्ज लगा काहे चले लु लटकाई के कमरिया Thank you.
सुन मन भवन कवैया। अरे गाता तोहरे नाम जवनिया कांडेदार जवनिया कांडेदार। अही तरे गलत की सुना तुहार नाम नाम अपन परिचय बतावा गलत की परिचय का जान की करबू नौकर के जगह बाटी नौकर का काम करते तुहार गंगा नाम मत हमार जमुना नाम परिचय हो गए। धीरे धीरे दोनों में आंख भी चोरी हो गई और छुप छुप के चोरी छुपे प्यार करे लगल। प्यार कल कोनो गुनाह नाम लेकिन सीमाएं देते हैं यही हो जाती है गलती। बाबूजी एक दिन जमुना को अखबार में पकड़ लेती है और पकड़ के कहलत की एक काम करा कि हवा से एरिया से ये नगर से घर से हमके लेके बहुत दूर चल चला ताकि हमनी के प्रेम सलामत रहे कोई आदमी से भेद दीदार न हो। अखबार में पकड़ लेती एक थे गीत लगल धेरे लिया गया गंगा जमुना को अखबार में पकड़ लेती है बाबूजी और पकड़ करके एक बात कह रही है कि अरे आगे सब संभली अरे पीछे से फिसली आगे सब संभली अरे पीछे से फिसली पड़ी भारी जमनिया हो गई हो पड़ी भारी जमनिया। हमारे छोटे भाई को 50 रुपए नमस्कार। भाई को बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम सलाम करता हूँ। सब भैया लोगों को प्रणाम हट कर देती है गंगा के हट करने पर बाबूजी जमुना गंगा को लेकर के कुछ गहना भी खोले निहलत घरवा से और लेकर के दूसरे जंगल में जाकर के झोपड़ी बना करके और वही झोपड़ी में गुजर बसर करे लगला। कुछ दिन बीतल बा एक गंगा के गर्भ से सुंदर बेटवा का जन्म भयल। कुछ दिन और बीत गए दूसरका लड़का पैदा होखे वाला बा। वही समय गंगा अपने पतिदेव जमुना से कहलत की सैया एक ठे काम करता ना हमारी इच्छा बा का कहलत जरा ध्यान दिया। 100 रुपए का उपकार संदीप भैया डॉक्टर साहब ये समय तो बनारस बाटे दांत डेंटल क्लिनिक बनारस में है। एक बात मुलाकात गुरु जी आचार्य जी के साथ गलरी विराह प्रेम चंद्र यादव से DLW में तो वही संदीप बाबू से मुलाकात हुई रहा उनके छोटे भाई संजीव कुमार मटूरी मरियम से भाई की ओर से पुरस्कार बहुत उतना से प्रणाम सलाम से भैया उनके प्रणाम बा। भैया हो दूसर का लड़का पैदा होके वाला बा गंगा एक दिन अपने सैया से कलश की सैया तुहरी साथे जिंदगी बीत ही के बाद बड़ा दिन हो गए एक हमारी इच्छा करत बतरी बाबू भाई का दर्शन करा दा ता जिंदगी तुहरे साथ बीत ही के बाद हट कर देती है और हट करने के अनुसार गंगा जमुना को लेकर के चल देता है। रास्ते में ठंडी का मौसम था सर्दी का मौसम था गंगा को ठंड लग जाती है
पति देव से प्रार्थना करती है, सैया कहीं से पति बिटोर के लिए आज पावा हमारे शरीर का ठंड दूर होए। बागीचे में जाता है जमुना पत्ती बटोरने के लिए, बाबूजी बड़ी दुर्भाग की बात उसी पत्ती में छिपा एक काला नाग जमुना को डस लेता है। गंगा इंतजार करती है अमर सैया गई हूँ पत्ती बटोरे बदे, पत्ती बटोर के लिए आग तपई अमर शरीर का ठंड दूर हुई। लेकिन इंतजार करते करते जब गंगा गईन है तो देख ली की हमार सैया ये दुनिया में नौ बाटा पति के लाश को लेकर के रो रही है गंगा। एक हमें कहा छोड़ के परैला हो सम्मान मिले हमारे भैया राजकुमार लफड़ा सिंह के दोस्त हैं हमारे बड़े भैया विजय कुमार जी। ये आपको पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ तो भैया ₹100 का पुरस्कार हमारे सुख दुख के साथ ही हमारे हृदय और मिशन के बहुत सुंदर कलाकार विनोद कुमार आनंद अनमोल पुष्पहार ₹100 का पुरस्कार बहुत बहुत आदर जब हम नमो बुधाय करता हूँ दोनों बच्चों को मैं एक साथ कैसे पार करूंगी। एक उपाय करी कि बड़का लड़का सुरेंद्र कुमार राजभर रोजगार सेवक ग्राम सभा भेलो लठिया से हमारे देवेंद्र बाबू के परम मित्र हमारे छोटे भाई की ओर से ₹100 का पुरस्कार बहुत बहुत नमस्ते से प्रणाम सलाम करता हूँ। सब भैया प्रणाम सादर जय भीम नमो बुधाय करता हूँ। दोनों बच्चों को लेकर के चल देते हैं श्रावस्ती गांव की ओर सुरठी का भाव लगन में। अरे कवन एक करा नवा जोगी जोगा वाला नवा वाला
मधार में जो ही कहली ना भैया एक अच्छे अनर्थ हो गए हो का नर्द भर तेरी के भाव लगाओ मझधार में आके मैना फस गई ऊपर बाध प्यार ही नीचे से लिया दी जो ही बीच मधार में अलीन हाँ वो अनर्थ हो गल का अनर्थ भर ये भैया की धावा ये चाचा की धावा लपक की बगर तो जोर जोर लाई हिलाने के लिए भी मजहार में अलीन हो छोटका लड़का के बड़ा साक्षी देख रहा है झपट्टा मार के तो उठा लेना चाहता है लड़का छोटका के हाँ के हाँ आवाज लगाओ तरवत है बीच मजहार में वो है सोच रही है गंगा की करूं तो क्या करूं करती है क्या लला करो वाला सुनी के गीत के कैसे उड़ाई तो बीच मधार से वहा वहा की आवाज लगावत है जब वहा की आवाज लगौली है बड़का लड़का एक किनारे पर खड़ा बा तो चलत की माई बुझात बा हमके हमार बुलावत है बड़का लड़का कैलस का बड़का लड़का पानी के धार में हिलने लगा कि बड़का के ये है बुझाई Thank you.
छोटा लड़का सोच रहा है माँ मुझे बुला रही है, पानी के धार में हेलने लगता है और उधर छोटे लड़के को जिद उठा लेना चाहता है। बीच बधार में गंगा फंसी है, आखिरकार किस बच्चे को बचाऊं? छोटका को बचाओ जाती तो बड़का लड़का हमारे पानी के धार में पहुंच जाए, बड़का को बचाओ जाती तो गीत हमारी छोटका लड़का को उठा के लेके चल जाए। सोचत है सोचत है मतर में दोनों लड़का हाथ से निकल गए, छोटका लड़का के गीत उठा लगा, बड़का लड़का पानी के धार में पहुंच गया। किसी तरह से गंगा पानी से बाहर आती है, पागल अवस्था में हो जाती है, घूमत घामत चीखते पुकारते श्रावस्ती गांव में पहुंचली। और जब श्रावस्ती गांव में पहुंचली न भैया, तब भयल का जरा देखा, ग्राम सभा पिपरौता गोपालगंज की धरती से हमारे जंग बहादुर बाबू ड्राइवर साहब की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको प्रणाम करता हूं। और नंदौर चट्टी से राजू भैया जो खाना बनाए हैं, शानदार भोजन बनाए हैं, पहला हम लोग एक नंबर का भोजन है। अरे तो मित्र आते हूँ पैसा कम है तो मेरे पकौड़ा खा लिया खा कर। भैया आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, सब भैया उनको प्रणाम बा हुआ क्या पतझड़ी के बाद बहार भइल मरियम की धरती से 50 रुपया और राजू भैया जो खनवा बनौलन बढ़िया भोजन नंदौर चट्टी पर पकौड़ा का दुकान की है और स्पेशल चाय बना भैया की ओर से पूरा पुरस्कार बहुत प्रणाम। और हमारे परम मित्र सुख दुख के साथी रविंद्र राज बड़े भैया राज कर्मचारी आपको मटुरी मरियम से 100 रुपए का पुरस्कार, भैया को बहुत प्रणाम करता हूँ। गंगा रो रही है पागल अवस्था में हो जाती है, लड़का कुछ समझ रहा कि पागल हो, ईटा कंकर मारे लगे गंगा के सर से खून बह रहा है। इसी तरह से श्रावस्ती गांव में पहुंच ली, कोई आदमी से पूछ ली कि भैया धनपत सेठ के कौन घर बा, कोई आदमी बता लो की एक बहनी है जो मकान दिखाई दे बा 3 रोज से जलत बा, उनकी धनपत सेठ उनकी पत्नी के कोनो पता ठिकाना बा, मालूम पड़ता जल जल वही मां खत्म हो गई। यह खबर सुनती है गंगा बाबूजी पागल अवस्था में हो जाती है, उसके मुख से आवाज निकलता था कि पहले मेरे पति देव को जिंदा कर दो, मेरे माता पिता को जिंदा कर दो और मेरे दोनों बच्चों को जिंदा कर दो, यही आवाज निकलता था गंगा के मुख से। कोई समझदार पुरुष समझ गया, मालूम पड़ता है कि दुनिया में उजड़ गई बा। चल बहनी घबरो मत, तथागत भगवान बुद्ध बगल में लोगों को उपदेश देने का काम करते हैं, चलो उन्हीं के पास तेरे तेरी बात का समाधान होगा। वह आदमी लेकर के जाता है तथागत भगवान बुद्ध की कुटिया में और जब जाती है तो कहती है भगवान मेरे पतिदेव को जिंदा कर दीजिए। तथागत भगवान बुद्ध कहलन का ये सागर हमारे बड़े भैया राजमिस्त्री साहब सुभाष राजभर जी ग्राम सभा भेलो लठिया से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, सब भैया लोग प्रणाम बा। मैं के में जारी गए बाबू का मैं
कि पहले भगवान मेरे पति देव को जिंदा कर दीजिए, तथागत भगवान बुद्ध कहते सबको मैं जीवित कर दूंगा, 7 दिन तक रहो इस कुटिया में, उसके बाद मुझसे प्रश्न करना। 7 दिन तक बौद्ध भिक्षुओं के साथ वही रहती है गंगा, 7वें दिन जाते हैं भगवान बुद्ध के पास और कहते हैं कि तथागत पहले मेरे पति देव को जिंदा कर दीजिए। तथागत बुद्ध कहते हैं कि जाओ बहन, उस गांव में जाओ, उसके घर से एक मुट्ठी सरसों मांग कर खिलाओ, जिसके घर कभी भी कोई जवान पुरुष न मरा हो। गांव में जाती है गंगा, घूम करके मांगने लगी, भैया तू हमके एक मुट्ठी सरसों दे दे, जे करी घरे जवान पुरुष न मरल हो, जे करी घरे जा लोग कहें कि कोई नहीं हमारी घरे जवान पुरुष मरल हो। दूसरे दिन फिर जाते है तथागत बुद्ध के सामने, करती है कि प्रभु मेरे दोनों बच्चों को जिंदा कर दीजिए। तथागत बुद्ध वह बतियात रण की बहन, जाओ उसके घर से एक मुट्ठी सरसों मांग करके लाओ, जिसके घर कोई कभी भी कोई बच्चा न मरा हो, जेकरी दरवाजे जा लोग कहे कि बनी हमारी घरे बच्चा मरल हो। तीसरे दिन फिर जाती है और तथागत बुद्ध के सामने आवाज लगाती है कि मेरे माता पिता को जिंदा कर। तथागत बुद्ध वही बात दोहराते हैं कि बहन जाओ उसके घर से एक मुट्ठी सरसों मांग करके लाओ, जिसके घर कभी भी कोई वृद्ध पुरुष या औरत न मरी हो, जे करी घरे जा कहे कि बहनी जे करी घरे पुरुष न मरल हो, वो हमके एक मुट्ठी सरसों दे दे, जे करी घरे जा लोग कहे कि ना बहनी हमारी घरे वृद्ध मरल हो। वही गंगा को ज्ञान होता है, नश्वर शरीर है, नश्वर जवानी है, जो इस धरती पर आया है उसे एक न एक दिन जाना है। तथागत बुद्ध ने कहा था कि दुख है, दुख का कारण है और कारण का निवारण भी है। बड़ी सुंदर बात इस समाज में तथागत बुद्ध ने हमको आपको देख के गए, वह कौन सा संदेश देकर गए जरा देखते आपकी भाव। और डायरेक्टर साहब मिथिलेश सुभनेश मास्टर साहब के छोटे भाई हमारे भतीजा बाटर मिथिलेश बाबू की ओर से मिथिलेश राजभर बहुत सारे का, शिव कुमार भैया हमारे रिश्तेदार भी बाटे, ये आपको से 100 रुपए का पुरस्कार मुटुरी मरियम की धरती से बहुत। और सुभाष चंद्र मास्टर साहब कीर्तन के बहुत ही सुंदर कलाकार, और दो चरणों में प्रणाम करता हूँ। यही बात कहे तथागत भगवान बुद्ध का, भगवान बुद्ध कही गई ले नगरी के गंगा को तब ज्ञान हुआ पीछे छूट गई दुनिया, जब के नाम का पीताम्बर ओढ़ के बन गई जोगिनिया, कि सबकी गले में लागल बाप अपमया की फसली अपने चाहे के मत वही के एक हो टकरी। गार्जियन महोदय सुन भैया की धरती से पुनः पुरस्कार, और हमारे सुख दुख के साथी महेंद्र नाथ राजभर जी भाई की ओर से पुरस्कार, बहुत बहुत सादर प्रणाम सब लोगों के सादर जय भीम नमो बुधाय। विरह के आखिरी लाइन गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुरुकारी फालतू टोला जय राम के चरणी बने पुजारी, मझधार में आपके मैदा फंसी गई पीके रबे अंधिया पूछे भर गए Thank you.
बहुत बहुत आशीर्वाद आप सब।